आपको समझा कि आप गूगल क्लास कैसे बना सकते हो। गूगल क्लास में आप अपना क्लास बना के आप अपनी क्लास को बहुत इफेक्टिवली अरेंज कर सकते हो, क्लास को अच्छा कंट्रोल कर सकते हो, और बच्चों को कुछ ऑनलाइन टूल्स होते हैं जो आप सीखने को मिलेंगे। कैसे बनाते हैं, सबसे पहले आप गूगल ओपन करेंगे। जैसे ही आपका गूगल ओपन होता है, आप गूगल ओपन करेंगे, इस आइकन पे क्लिक करेंगे। यहाँ आप इवेंट मोर फ्रॉम गूगल पे क्लिक करेंगे, उसको स्क्रॉल कीजिए नीचे, स्क्रॉल करते जाइए। ये देखिए, यहाँ आपको आइकन मिलेगा गूगल क्लास में, इस पर क्लिक करें। दोस्तों, गूगल क्लास में बनाने के लिए कंपल्सरी है कि आपका जीमेल गूगल पे अकाउंट होना चाहिए। जैसे जीमेल पे आप अपनी आईडी से साइन इन कीजिए, ये देखिए, जैसे साइन इन करेंगे आपसे यहाँ पूछेगा कि आप स्टूडेंट हैं या टीचर हैं। गेट स्टार्टेड विद यूजिंग क्लासरूम आई एम ए स्टूडेंट और ए टीचर। अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी क्लासरूम बनाते हैं, सपोज मैं टीचर हूँ, क्लास बना रहा हूँ, कैसे बनाएंगे, टीचर पर क्लिक करें। देखिए, खुल गया, ओपन हुआ, क्रिएट ए क्लास। अगर आप स्टूडेंट हो तो ज्वाइन क्लास पे क्लिक करते, टीचर हो तो क्रिएट ए क्लास पे क्लिक करेंगे। हो गया, ये आपको चेक कर रहा है चेक बॉक्स को, आपको कंटिन्यू करना है। अभी आपसे आपका क्लास का नाम पूछेगा, कौन, मैंने यहाँ पे लिखा क्लास सिक्स, सेक्शन सपोज मैंने लिखा ए, सब्जेक्ट मैंने लिखा कंप्यूटर साइंस। अब आप यहां से क्रिएट पर क्लिक कीजिए। तो देखो दोस्तों, क्लास क्रिएट हो गई, क्रिएट हो, यह आपका क्लास बन गया, क्लास सिक्स है यह आपका, ये बन गया। अब आपको यहां से इसको टॉपिक ऐड करना है उस क्लास में, कि आप जैसे आप क्लास में जा रहे हो तो आपको वहां पर क्या पढ़ाना है उस क्लास को। तो आप ऐड टॉपिक पे क्लिक करेंगे, यहाँ आपसे उस टॉपिक का नाम पूछेगा, और मैंने आज लिखा मेल मर्ज, मेल मर्ज कैसे होता है तो मैं आपको इसमें बताऊंगा, आप इस पर ऐड कीजिए। ये देखिए, आपका टॉपिक यहाँ आ गया है मेल मर्ज। आप इस टॉपिक को ओपन कर लीजिए, ओपन हो गया दोस्तों। अब यहाँ से अभी तक इसमें कोई पोस्ट नहीं है, मतलब आप इस क्लासरूम में कोई अभी तक कंटेंट नहीं डाला है। आपको यहाँ से दोस्तों, आप अपनी क्लास में चार तरह के कंटेंट ऐड कर सकते हो। इसमें पहला आप क्रिएट अनाउंसमेंट कर सकते हो, असाइनमेंट बना सकते हो, क्वेश्चन बना सकते हो, और दोस्तों री यूज पोस्ट, री यूजर पोस्ट बना सकते हो। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने यहाँ पे एक असाइनमेंट बनाया, मैंने इस पर क्लिक किया, इसका आप डालिए, यहाँ आपको ऑल स्टूडेंट का टाइटल डालिए, मैंने लिखा लर्न, सपोज मैंने लिखा मेल मर्ज मर्ज। दोस्तों यहाँ से आप वो लिंक डाल सकते हो, उसके अंदर का लिखना तो लिख सकते हो। सपोज आपको अटैच करना हो तो फाइल यहाँ से अटैच करेंगे, गूगल ड्राइव से डालना हो वहाँ से डालेंगे, यूट्यूब का कोई वीडियो डालना हो यहाँ से डालेंगे, आपको वो लिंक डालना हो यहाँ से कर सकते हो। सपोज मैंने यूट्यूब वीडियो इसमें डाला, अब आपसे यू आर एल पूछेगा इस वीडियो में, आपका यू आर एल क्या था। दोस्तों जैसे अगर आपको यू आर एल निकाल रहा तो कॉपी पेस्ट कर दीजिए, वरना डायरेक्टली यहाँ से अपना यू आर एल उठा लीजिए। जैसे मैंने यूट्यूब ओपन किया, देखिए चलिए मैंने मेल मर्ज का वीडियो क्लिक करता है।
क्रिएट मेल बल इस पर क्लिक किया, ये मेरा यूट्यूब। आप ये जो आप यहाँ से कॉपी कर लेंगे कंट्रोल सी, यहाँ उस वाले को पेस्ट कर देंगे कंट्रोल, यहाँ से आप इसको सर्च करेंगे, ये वीडियो आ गया सिलेक्ट करें, इसको ऐड करें। अगर दोस्तों आप और भी उसमें एक से ज़्यादा कंटेंट आप इसमें ऐड कर सकते हैं यहाँ से। अब आप इसको यहाँ से शेड्यूल बना देना है तो शेड्यूल दे दीजिए, करना है अदरवाइज डायरेक्टली असाइन कीजिए। ये देखिए ये वीडियो सबको असाइन हो गया, असाइनमेंट क्रिएटेड यहाँ लिखा हुआ है। अब दोस्तों ये आपको क्या करना है, आप जैसे ही हो गया तो आप पीछे बैठा देंगे, ये वीडियो आपका इस चैप्टर का यहाँ पे ऐड हो गया है। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट को भी करना है, ये कोड आप नोट कर लीजिए, ये क्लास कोड आपको अपने बच्चों को बताना है, इस टाइम वो असाइन करेंगे। सपोज मैंने इस वाले को यहाँ से नोट किया 7396 ये हो गया, मैंने इसको नोट किया। अब दोस्तों ये तो था क्लास कैसे बनाते हैं, अब मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी क्लास को दूसरे बच्चे इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं किसी भी क्लास को यहाँ से साइन आउट करता हूँ, वापस इसको बंद कीजिए, यहाँ से वापस अपना वही ओपन करेंगे, अब वही क्लास रूम पर जाएंगे, लॉगिन कीजिए जैसे टीचर के नंबर से। सपोज ये और जैसे ये स्टूडेंट है वो लॉगिन करेगा अपने यहाँ से, फिर आपसे पूछेगा कि आप एक स्टूडेंट हैं टीचर हैं। अब आपको स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट सपोज आप लॉगिन कर रहे हैं, क्लिक करेंगे दोस्तों, अभी आप यहाँ आइए इस पर कीजिए। अब पूछेगा क्रिएट ए क्लास ज्वाइन क्लास, तो आपको ज्वाइन करना है क्योंकि आप यहाँ एज ए स्टूडेंट हो, आपको ज्वाइन करें क्लास कोड। तो दोस्तों कोड उस टाइम मैंने दिखाया था वो कोड हम बच्चों को बताएंगे, बच्चे उस कोड को यहाँ पे डालेंगे 7396KF, आपको ज्वाइन कीजिए। ये देखिए दोस्तों आगे क्लास सिक्स है, इस टीचर ने आपको असाइनमेंट दिया है, ये दिया हुआ है, ये आपका असाइनमेंट है, इसको आप ओपन करेंगे तो ये वीडियो आपका यहाँ प्ले हो जाएगा। तो इस तरह से आप यूजिंग गूगल क्लासरूम अपनी क्लास को बहुत अच्छे से अरेंज कर सकते हो, उस क्लास को बहुत अच्छे से आप अपनी क्लास को हैंडल कर सकते हो। दोस्तों बहुत अच्छी चीज़ है, इससे आप बच्चों को न्यू लर्निंग टूल्स सीखने को मिलेंगे, प्लस इसमें सारे आप डिजिटल कंटेंट्स यूज कर सकते हो। ओके दोस्तों जैसे आपका वीडियो फिनिश होता है आप इस वीडियो को ओपन इन यूट्यूब भी कर सकते हो, यहाँ से फुल स्क्रीन देखो, फुल स्क्रीन कीजिए आप, ये देखो दोस्तों फुल स्क्रीन आ जाए, स्क्रीन करेंगे वहाँ से छोटी स्क्रीन आ जाएगा। इस वीडियो को आप यहाँ से शेयर भी कर सकते हो, अगर आपने दूसरे किसी फ्रेंड्स के साथ आप शेयर करना चाहते हो अच्छा लगेगा तो। ठीक है दोस्तों यहाँ से जब ओपन करेंगे आपके यूट्यूब में ओपन हो जाएगा दोस्तों, वापस आप पीछे आ जाएंगे बैक आ जाएंगे। दोस्तों इस तरह से आप अपनी क्लास को पूरी क्लास को ऐसे आप अरेंज कर सकते हो, स्टूडेंट एज ए क्लास क्लास वर्ड्स आप यहाँ से सर्च कर सकते हो, अभी एक ही बच्चे ने लॉगिन किया तो उसका आईडी यहाँ पे, और अगर जैसे बहुत सारे लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे आ जाएंगे। दोस्तों जैसे आपको छुट्टी दिया।